नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यूएसएल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि आपको पता लगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेके। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्रदेश में जल्द निकलेंगी 15,000 पदों पर भर्ती, जुलाई के आखिर तक भर्तियाँ होंगी 1 लाख पार। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों ये, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं फिलहाल, आप सभी को पता है। और इसके अंदर जो 1 लाख पार पदों का जिक्र है दोस्तों, और 15,000 पदों पर जो नई भर्तियां करेंगे, तो सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट हैं जिस पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत ही जल्दी भर्ती करने जा रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों कमीशन अब 69,000 पदों पर पूरी कर चुके हैं भर्तियां। दोनों कमीशन है दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC जिसको हम बोलते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है इसके अंदर, यहाँ पे प्रदेश में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विधानसभा चुनाव से पहले 1 लाख पदों पर भर्तियाँ पूरी करने की कोशिश में है। अब तक 69,000 पदों पर दोनों ही कमीशन भर्ती पूरी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था एक पॉइंट। अब मेन बात यह है कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी भर्तियां जो है सरकार करना चाहती है, ये देखिए वो इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ मेंशन है। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर ये है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 31 जुलाई तक करीब 15,000 और भर्तियाँ निकालेगा। इनमें ग्रुप डी की आएंगी दोस्तों। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि ग्रुप डी की भर्तियाँ कभी भी आ सकती हैं। तो इसमें ग्रुप डी के अलावा बिजली निगम में LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और लाइनमैन की आएंगी दोस्तों, और UDC की आएंगी। देखिए 15,000 पदों में ग्रुप डी की आएगी, LDC की आएगी, और UDC की आएगी, और लाइनमैन की आएगी यानी कि बिजली डिपार्टमेंट में। और इनके अलावा कुछ अन्य महकमों की भर्तियां शामिल हैं। जल्द दूसरे महकमे कमीशन को पदों की जानकारी देंगे, जिसके बाद इनकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि HSSC की ओर से अभी तक 22,000 पदों पर भर्ती का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। यानी कि दोस्तों एक लेटर जारी किया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की साइट पे कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोस्ट जो है वैकेंट है, ग्रुप डी वगैरह की या क्लर्क की, तो वो बताएं। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इंफॉर्मेशन भेज दी गई थी। अभी जो है बहुत ही जल्दी ग्रुप डी की और उसके अलावा जो है LDC की, लाइनमैन और UDC की भर्तियां बहुत ही जल्दी निकलने जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो बगैर ब्रेक जो है अपनी तैयारी में लगे रहें। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है, ऐसे में कमीशन 2015 से जुलाई के आखिर तक 97,000 पदों तक पहुँच जाएगा। कमीशन की ओर से शुरू की गई 72,000 पदों पर भर्ती का टारगेट तय किया गया है। इनमें से 66,000 पदों की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की सिफारिश भी सरकार से हो चुकी है और इनकी भर्ती जो है अंतिम चरण में है, अभी जो चल रही है। यानी कि हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 15,000 पदों पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC दोनों मिलकर बहुत ही जल्दी भर्तियाँ करने जा रहे हैं। जुलाई के एंड तक रिक्रूटमेंट उसकी भी आ जाएगी, और ग्रुप डी की तो दोस्तों आने के अंदर है, कभी भी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक और चीज है क्लियर, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, प्रदेश में भर्तियां पूरी पारदर्शिता से की जा रही हैं। 31 जुलाई तक और भी भर्तियां निकाली जाएंगी। 2015 से जुलाई के आखिर तक 97,000 पदों पर कुल भर्तियां हो जाएंगी। इनमें ज्यादातर पर भर्ती क्रिया पूरी हो चुकी है, ये कहना है दोस्तों भूषण भारती जी का, जो कि चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर रिक्रूटमेंट आ जाती है बहुत ही जल्दी आ जाएगी वैसे लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। यानी कि 15,000 पदों पर कम से कम और भर्तियां आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेके। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो तुरंत जो है अपलोड कर दी जाती है चैनल पर। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे जो है अपलोड हो चुका है दोस्तों, जैसे हरियाणा जीके के काफ़ी वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, करंट जीके के भी हैं, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के हैं दोस्तों, इंडिया की जीके भी वहीं पे है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।